We will talk about national interest again today. And in the last class, we had talked about the meaning types of national interest and also what are the factors, determining factors, which are used to promote national interest. राष्ट्रहित का अर्थ क्या है, उसके तरह तरह के जो प्रकार हैं वो क्या है, और राष्ट्रहित की वृद्धि के साधन क्या हैं, इसके विषय में हम लोगों ने बात की थी. उसी को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि राष्ट्रहित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में. और हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रहित ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिविधियों का आधार बना हुआ है. ये बार बार हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रहित की दृष्टि से कार्य करता है. नेशनल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना और उनके आधार पर अपनी विदेश नीति को बनाना, ये किसी भी राज्य का उद्देश्य होता है, और वो ये चाहता है कि उसके राष्ट्रहित की पूर्ति हो. ये भी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी राष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण या प्राइमरी इंटरेस्ट या मार्मिक हित उसका, उसकी सुरक्षा है, उसे अपनी टेरिटरी की रक्षा करना उसके लिए सर्वप्रथम कर्तव्य हो जाता है, सर्वाधिक आवश्यक हो जाता है, और उसके लिए तुमने देखा था कि वो युद्ध करने को भी तैयार होता है. लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि युद्ध तो अंतिम स्टेप है राष्ट्रहित की अभिवृद्धि के लिए. उसके पहले भी बहुत सारे साधन हैं, जिनमें हम लोगों ने देखा था कि विदेश नीति भी है, कूटनीति भी है, इसके अलावा आर्थिक साधन भी हैं बहुत सारे, जिनके माध्यम से हम राष्ट्रहित की अभिवृद्धि कर सकते हैं. राष्ट्रहित और विदेश नीति में बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, और प्रायः ये माना जाता है कि विदेश नीति का आधार राष्ट्रहित होता है, और विदेश नीति वो साधन होता है जिसके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रहित को प्रमोट करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं. उनके अनुसार विदेश नीति केवल राष्ट्रहित पर आधारित नहीं होती है. अगर इस बात को आप इस तरीके से समझें कि विदेश नीति का निर्धारण करने में आंतरिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा जब कभी उन्हें लगता है कि देश में मूल्य वृद्धि को लेकर या बेरोजगारी को लेकर या सरकार के किसी और अन्य कारण कार्य की वजह से असंतोष पैदा हो रहा है, तो सरकारें क्या करती हैं, वे एक ऐसा भय क्रिएट करती हैं जनता के बीच में कि जो उनका पड़ोसी, जो शत्रु देश है, ट्रेडिशनल जो परंपरागत हमारे शत्रु हैं, वो हम पर हमला करने वाले. भारत के द्वारा इसमें पाकिस्तान का प्रयोग किया जाता है और पाकिस्तान के द्वारा भारत का प्रयोग किया जाता है. जैसे अभी चीन के लिए कहा जा रहा है कि चीन अपने आंतरिक बिगड़ती हुई परिस्थितियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, अपने नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए, उसके द्वारा भारत के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट का रवैया है वो अपनाया गया, जिससे वो अपने नागरिकों को भ्रमित कर सके, उनका ध्यान हटा सके. चीन और भारत के बीच में जो टेंशन है उसका एक रीज़न ये भी दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर राष्ट्रहित के कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चीन ने नहीं पैदा किया है, बल्कि उसने अपनी आंतरिक इंटरनल जो स्ट्राइफ है, जो उसके देश के अंदर जो समस्याएं हैं, चाहे वो कोविड के कारण हो या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो, या अब उसकी इकॉनमी में वो तेज़ी नहीं है जो पिछले 25 साल में रह चुकी है, तो इसलिए उसने भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट के रवैये को अपनाया, जिससे लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट किया जा सके. तो ये भी एक
आधार दिया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि विदेश नीति केवल राष्ट्रहित पर ही आधारित हो। संभव है कि विदेश नीति के निर्धारण में आंतरिक डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं वो भी रोल प्ले करें। अगर आप अभी कुछ समय में जो लगभग एक डेढ़ महीने में जो न्यूज़पेपर्स में और चैनल्स में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं अगर उनको पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखते हैं कि बार बार जो एनालिस्ट हैं उनके विश्लेषक हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब राज्य की विदेश नीति आंतरिक कारकों से प्रभावित होने लगती है, जब आंतरिक राजनीति उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है, तो विदेश नीति उस प्रकार से सफल नहीं होती जैसा कि उसे होना चाहिए। यानी डोमेस्टिक कंपल्शंस पूरी तरीके से अगर डिक्टेट करने लगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, फॉरेन पॉलिसी को, तो उस देश के जो वास्तविक जेन्युइन नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। तो ये एक आधार दिया गया कि कैसे राष्ट्रहित ही विदेश नीति को निर्धारित नहीं करते हैं, जबकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रहित की ही भूमिका होती है। पर अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया कि विदेश नीति का निर्धारण अन्य कारणों से भी होता है। अब अगर हम ये देखें कि प्रत्येक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि समझते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन करेगा तो हम क्या पाते हैं कि तब निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रहित क्या डिमांड करता है कि हम अपने प्रभुत्व का विस्तार करें। हम नेचुरली हमें अपने पड़ोसियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और अगर हम राष्ट्रहित के आधार पर ही विदेश नीति बनाएंगे तो क्या होगा कि हम निरंतर कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहेंगे अपने पड़ोसियों के साथ। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, या अन्य जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ अगर हम सिर्फ अपने इसी बात में उलझे रहेंगे कि टेरिटरी हमारी जो झगड़े हैं उसको निपटाने में, तो स्वाभाविक है कि हम अन्य मामलों में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। और आपने पढ़ा था गेम थ्योरी में कि नॉन ज़ीरो सम गेम, यानी राष्ट्र कैसे काम करते हैं, वे प्रतियोगिता और सहयोग दोनों करते हैं। वो आपस में झगड़ा भी करते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन कोऑपरेशन भी होता है। इसीलिए आज राष्ट्र पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कहते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आज इस पर जोर दिया जाता है। और अगर हम सिर्फ राष्ट्रहित पर हाप करते रहेंगे, उस पर हम जोर देते रहेंगे, तब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आपने इधर काफ़ी पढ़ा होगा कि भारत के द्वारा नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, उस समय ये तय किया गया कि चीन के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उसको हम थोड़ा हटाकर और बाकी एरियाज़ में हम कोऑपरेट करें। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हम इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस ना बनाएं, ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है। और चीन ने भी उसमें अपनी रुचि दिखाई, इसलिए कि शायद उसको अपने ट्रेड का विस्तार करना था, भारत के रूप में उसे एक बड़ा मार्केट मिल रहा था, और इसलिए चीन ने भी उस दौरान बॉर्डर डिस्प्यूट पर चर्चा अलग करते रहेंगे और उसके साथ साथ ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाएगा ये मानते हुए कई लेवल्स पर वार्ताएं और संबंध बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। आज हम देखते हैं कि ये भी चीन की रणनीति का हिस्सा था जिसमें उसने बॉर्डर डिस्प्यूट को थोड़ा डॉर्मेंट कर दिया और अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाया। और शी जिनपिंग की भारत यात्रा हो, वो चाहे उसके पहले चाओ एनलाई की भारत यात्रा हो, उन सब में हमने देखा कि चाइना के द्वारा अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य किया गया। और आज आप देखते हैं कि चाइना के द्वारा फिर बात कही जा रही है कि 1959 में जो LAC बनी थी वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो नियंत्रण रेखा है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो
अगर राष्ट्र निरंतर हित की बात ही समझते रहेंगे, करते रहेंगे, तो देयर विल बी नो कोऑपरेशन, देयर विल बी नो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आगे अगर हम बात करें कि नेशनल इंटरेस्ट अगर विदेश नीति का ही निर्धारक नहीं है, विदेश नीति के निर्धारण में अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट पर ही अगर हम जोर देते रहेंगे तो राष्ट्र के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से आज के समय में जबकि ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स आर न्यूक्लियर स्टेट्स या उनकी ऐसे देशों से साझेदारी है जो न्यूक्लियर हैं। अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है देन इट विल बी वेरी सीरियस, इट विल पोज अ सीरियस थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रहित के अलावा भी कुछ बातें सोची जाएं जिससे कि परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रहित पर ये माना जाता है कि कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं उसके ऊपर। मॉर्गेंथो ने तीन तरह की ये मर्यादाएं बताई हैं, जिसमें पहला उन्होंने कहा सब नेशनल, अधोराष्ट्रीय। क्या है ये अधोराष्ट्रीय मर्यादा, सब नेशनल लिमिटेशन? मॉर्गेंथो कहते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है या जो आर्थिक और जातीय समूह हैं, वो अपने हितों को राष्ट्रीय हित का रूप देने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है कि अगर वो ग्रुप शक्तिशाली है और उसको उसकी बात को माना जा रहा है तो वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी देश में उद्योगपतियों का शक्तिशाली ग्रुप है, इंडस्ट्रियलिस्ट आर वेरी पावरफुल एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डोमेस्टिक पॉलिसी, दे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट, तब क्या होगा, तो वो अपने लाभ के लिए नीतियों को, जो उनके लाभ की नीतियां हैं उन्हें राष्ट्रहित का रूप देने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक मर्यादा हो जाती है कि लिमिटेशन हो जाती है कि जो पूंजीपति वर्ग है, या इसी तरीके से भारत जैसे देशों में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों के आधार पर भी विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1949 में जब इसराइल का निर्माण हो गया था, उसके बाद भारत के द्वारा इसराइल को मान्यता नहीं दी गई थी। मान्यता न देने का कारण क्या था, इसराइल एक ज्यूइश कंट्री था और उसका जो निर्माण हुआ था वो ऐसे देशों के बीच में हुआ था जो मुस्लिम कंट्रीज थी, और इसराइल और इन देशों के बीच में, सऊदी अरब वगैरह जो देश थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। साथ ही साथ भारत में आपको मालूम है कि मुसलमानों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, और भारत अपने इस मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था इसराइल को मान्यता देकर, और साथ ही वो अरब देशों को खुश भी रखना चाहता था क्योंकि उन्हें उनसे तेल मिल रहा था। तो एक ओर तो हमने अपने अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को देखा और दूसरी ओर हमने अपने आर्थिक हितों को देखा, और इसलिए हमने इसराइल को मान्यता नहीं दी। 1990 के बाद जब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गईं तो भारत के द्वारा इसराइल को मान्यता प्रदान की गई। तो अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति, आपने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी पढ़ा होगा कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग इवन द फॉरेन पॉलिसी, नॉट ओनली डोमेस्टिक पॉलिसी बट इवन फॉरेन पॉलिसी। दूसरा जो वो मर्यादा बताते हैं, लिमिटेशन बताते हैं, यानी आपने देखा कि सब नेशनल जो इंटरेस्ट हैं दे पोज अ लिमिटेशन ऑन नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा जो नियंत्रण है वो है अदर नेशनल या इतर राष्ट्रीय। इतर राष्ट्रीय मर्यादा या लिमिटेशन, अदर नेशनल लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? जब किसी देश का अल्पसंख्यक वर्ग
किसी अन्य देश की सरकार से खुद को जोड़कर देखने लगता है और उसके हितों को अपना हित समझने लगता है। यानी अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखें तो जर्मनी को उस समय डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था, जो जर्मन एम्पायर थी वो उसको बांट दिया गया था कई राज्यों में, और इन जो नए देश बने उनमें जर्मन लोग माइनॉरिटी में थे और ये जिस देश में रह रहे थे उससे अपने आप को अलाइंड महसूस नहीं करते थे, बल्कि जर्मनी के साथ अपने हितों को जोड़कर देखते थे और वे जर्मनी के हितों को अपना हित समझते थे। तो ऐसा भी होता है, संभव है कि जब किसी देश में जो माइनॉरिटी क्लास है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो किसी दूसरे देश की सरकार से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और उसके हितों को अपना राष्ट्रहित अपना हित समझने लगे। ऐसे कई और उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पर कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जो अन्य देशों में माइनॉरिटी में हैं तो वो उनकी पूरी जो नीति बनती है वो उन देशों की तरफ देखकर बनती है जहाँ पर वो बहुसंख्यक हैं। फिर तीसरी जो लिमिटेशन है वो सुप्रानेशनल या अधिराष्ट्रीय। अधिराष्ट्रीय का मतलब क्या है कि संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हित सर्वोपरि हो जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा नेशनल इंटरेस्ट को मर्यादित किया जाना, आपने देखा कि इंटरनेशनल लॉ के द्वारा या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी राष्ट्रहित को प्रतिबंधित करते हैं। यूनाइटेड नेशंस उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि कैसे यूएन के द्वारा समय समय पर जो कॉवेनेंट्स जारी किए जाते हैं या जो रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं वो भी राज्यों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और राष्ट्रहित को रोकने का काम करते हैं। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कई रिजोल्यूशंस पारित किए गए, कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए। कानून का मतलब रिजोल्यूशन, कानून तो नहीं बना सकता यूएन। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वे भी, और इंटरनेशनल लॉ, इट कैन ऑल्सो पुट अ लिमिटेशन ऑन नेशनल इंटरेस्ट। राज्य इन नीतियों को, इन जो भी कॉवेनेंट्स हैं उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णयों को कोट करते हुए राष्ट्र अपनी बात को कहते हैं कि ये उनको प्राप्त होना चाहिए। तो ये तीन लिमिटेशंस आपने देखा, सब नेशनल, अदर नेशनल, और साथ ही साथ जो तीन प्रकार के जो लिमिटेशंस हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, सब नेशनल, अदर नेशनल एंड सुप्रा नेशनल। दीज आर दी थ्री लिमिटेशंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट, एंड नेशनल इंटरेस्ट इनके सीमा के अंदर रहकर ही कार्य करता है। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट पर एक अन्य लिमिटेशन है और वो है देश के हित, देश का पब्लिक ओपिनियन, ये भी बहुत मैटर करता है। तुमने नेशनल मूवमेंट में देखा कि भारत की स्वतंत्रता के जो विभिन्न कारण हैं उनमें एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन का जो पब्लिक ओपिनियन था वो इस बात को का समर्थन कर रहा था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। पब्लिक ओपिनियन ने भी रोल प्ले किया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी भारत में जो इंपीरियलिज्म था उसको समाप्त करने का पक्षधर था। तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री, और उस देश को अपने आप को हो सकता है कि उसे अपने नेशनल इंटरेस्ट में बदलाव करना पड़ जाए या उस पर कुछ सीमाएँ लगानी पड़ जाए। एक और जो मुझे समझ में आता है कि नेशनल इंटरेस्ट पर लिमिटेशन है वो ये कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ हमें दूसरे देशों के हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
बार बार हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मनुष्यों से बनी है, और जो मनुष्य का व्यवहार है और जो मनुष्य के लिए आवश्यक है माइक्रो लेवल पर, वही हम राज्य के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन नियमों को काम करता हुआ देखते हैं। आपने बार बार पढ़ा कि मनुष्य का अधिकार कहाँ तक है, जहाँ तक उसके दोनों हाथों का दायरा है। वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स व्हेन वी लाइक टॉक अबाउट आवर राइट्स। हमारे राइट्स की परिधि, हमारे राइट्स का जो दायरा है वो कहाँ ख़त्म हो जाता है, जहाँ दूसरे के राइट्स शुरू हो जाते हैं। यही बात हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रहित वहीं तक है जहाँ तक वो दूसरे देश के हित को अनावश्यक रूप से नुकसान नहीं पहुँचा रहा हो। और आज के समय में व्हेन वी हैव गॉन न्यूक्लियर एंड एनी वॉर कैन बिकम वेरी अगली, और ऐसे समय में तो बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित का भी ध्यान रखें, तभी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत गंभीर बनने से रोका जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, थोड़े बहुत टकराहट होंगे, लेकिन अगर हम अपने हित के साथ दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखेंगे, हम दूसरे के दायरे को नहीं देखेंगे, तब नतीजा क्या होगा, इट कैन क्रिएट अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है, हमें अपने साथ साथ दूसरे के हित को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट पर विचारधारा का भी प्रतिबंध होता है। जैसे भारत शांति की विचारधारा को अपनाता है, हमारे देश का इतिहास, हमारी परंपराएं भी हमारे ऊपर, हमारी विदेश नीति पर कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। क्या प्रतिबंध है ये? हमारा देश हमेशा से अपने आप को शांति का समर्थक कहता रहा है, और ऐसे में भारत के ये हिस्टोरिकली ये उचित नहीं होगा कि वो वॉर की स्ट्रैटेजी को, पॉलिसी को, अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाने लगे। हमारे अगर पुराने ग्रंथों को भी आप पढ़ें तो उसमें भारत के अंदर की बात कही गई है कि भारत जो भूभाग है उसके अंदर, जम्बू द्वीप जिसे कहा गया, कि उसके अंदर हम अपने एम्पायर को बढ़ा सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। इवन कौटिल्य सेज दैट कि इंडिया, जो भी हमारे राजा हैं, जो भी चक्रवर्ती, जो विजगीशु की वो बात करता है, उसको वो कहता है कि हिमालय तक और समुद्र तक, इस बीच में ही उसे अपने साम्राज्य को फैलाने की बात वो कहता है, उसके बियॉन्ड नहीं। और इसीलिए आपने देखा कि भारत ने कभी भी जो इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस हैं उनको नहीं रखा। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे जो विजेता थे, या कह सकते हैं कि जो राजा थे, वो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें आए। सिकंदर भी आया यहाँ पर, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जिनको हम वॉरियर्स कहते हैं, वो भारत में आए, और कई ऐसे भी थे जो मुग़ल भी वॉरियर के रूप में बाहर से आए, जो यहीं पर होकर रह गए और उन्होंने यहाँ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अपनाया। तो विचारधारा, देश की परंपरा और इतिहास, ये भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रतिबंधित करते हैं, दे पुट अ लिमिट। और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो कैसा होगा, उसकी उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा होगा, इसको निर्धारित करते हैं। हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि भारत एक शांति प्रिय देश होगा। शांति की विचारधारा को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अपनाने की बात कही गई है, और क्योंकि संविधान में यह कहा गया है, और इसलिए कोई भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बनती हैं, दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट लाइक चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली। तो उन्हें शांति की विचारधारा को अपनाना ही होता है। तो किसी देश की विचारधारा उसकी विदेश नीति को, उसके राष्ट्रहित को तय करने का भी कार्य करती है। दूसरी ओर आपने देखा कि ब्रिटेन में चूंकि इम्पीरियलिस्ट विचारधारा थी,
और इसलिए आपने देखा कि उसने एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया, यहाँ तक कि चीन में भी हम देखते हैं विच इज़ एक्टिंग अगेंस्ट इट्स आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म के द्वारा, साम्यवाद के द्वारा बराबरी की बात कही जाती है, इम्पीरियलिज्म के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन हाँ, कम्युनिज्म में एक विचार ज़रूर है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का, वर्ल्ड कम्युनिज्म को स्थापित करना, विश्व साम्यवाद की स्थापना, और शायद चीन इसी विश्व साम्यवाद का ख्वाब देख रहा है और अपने अपने आप को, अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑल दीज आर लिमिटेशंस, दे वो मर्यादित करती हैं राष्ट्रहित को, दे डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट और विदेश नीति में भी आपने देखा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट फॉरेन पॉलिसी इज़ डिटर्मिन्ड ओनली बाय नेशनल इंटरेस्ट, इट कैन बी डिटर्मिन्ड इवन बाय डोमेस्टिक रीजंस जिनका प्रयोग राज्य कर सकते हैं ध्यान भटकाने के लिए अपनी जनता का, या ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो राष्ट्रहित को बनाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, देयर लिमिटेशंस, उन पर जो मर्यादाएं हैं जो काम करती हैं राष्ट्रहित एब्सोल्यूट रूप से विदेश नीति का निर्माण नहीं करता है, इस बात को स्थापित करने की कई विचारकों के द्वारा कोशिश की गई है, विशेष रूप से जो आइडियलिस्ट हैं जो मानते हैं कि ओनली नेशनल इंटरेस्ट कैन नॉट प्ले द रोल। और इसमें हमने आपको जो गेम थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन जीरो सम गेम के बारे में, जहाँ पर आपने देखा था कि राष्ट्र प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और सहयोग सभी करते हैं, हमेशा प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, और अगर हम राष्ट्रहित से ही काम करेंगे तो हमेशा प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। सो